वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब वक्त हुआ है उस सरप्राइज का जो मैंने आप लोगों को देना था। तो बहुत ही अकम्प्लिश्ड और ब्रिलियंट यंग लोग हमारे साथ हैं। इट्स अ रियल ऑनर कि मैं आज आपको मिलाने जा रही हूँ इन दो हाई अचीवर्स से। वैसे तो पांच भाई बहन हैं और सारे ही हाई अचीवर्स हैं, लेकिन उनमें से दो आज हमारे साथ है। सितारा बुरूज अकबर हमारे साथ है, आप और इनके साथ इनके भाई बैठे हैं कमर मुनीर अकबर। अच्छा, कमर को आपने रिसेंटली देखा होगा, वेरी रिसेंटली इन द न्यूज। इनका चिन्योट से ताल्लुक है, 8 साल के हैं और 8 साल की उम्र में इन्होंने केमिस्ट्री का में ओ लेवल्स किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो था वो सितारा के पास था और इन्होंने 9 साल की उम्र में केमिस्ट्री में ओ लेवल्स किए और इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर। ओके, अब थोड़ा सा मिस सितारा के बारे में आपको और बताना चाहूंगी कि 11 साल की उम्र में इन्होंने अपने ओ लेवल्स कंप्लीट कर लिए। 17 साल की उम्र में लेस्टर यूनिवर्सिटी यूके में एडमिशन हुआ और वहां से अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रही हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग में यूएसए से सर्टिफिकेशन हासिल की और फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन में सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर रही है। वाओ, बहुत 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 मुबारक हो आप दोनों को फॉर ऑल योर अचीवमेंट। और अभी तो और भी बहुत कुछ अचीव करना है। सितारा, आपसे बात शुरू करना चाहूंगी। घर पे क्या बहुत ज्यादा पढ़ाई का रुझान है, मतलब सारा दिन पढ़ते ही रहते हो, स्कूल में भी घर पे भी? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से बाकी सब बच्चों से वी हैव इट इजी क्योंकि वी आर सेल्फ टॉट। हमारे पेरेंट्स ये बिलीव करते हैं कि सेल्फ एजुकेशन इज द बेस्ट एजुकेशन और उन्होंने हमें स्पून फीडिंग कभी नहीं की, तो हम लोग अपनी मर्जी से हैव अ स्केड्यूल, हम उसके मुताबिक पढ़ते हैं। अच्छा, पहले सेल्फ टॉट का मतलब आपको समझाना पड़ेगा क्योंकि बहुत से लोग ऐसे देख रहे हैं इस वक्त जिनको समझ ही नहीं आएगी कि सेल्फ टॉट होता है। सेल्फ टॉट से मुराद क्या है बेटा? सेल्फ टॉट से ये मुराद है कि यू डोंट हैव टीचर्स, आप स्कूल नहीं जाते, आप सुबह सुबह 6 बजे उठ के यू डोंट गो टू अ बिल्डिंग, आप बैठते नहीं हो 6 घंटे वहां बैठ के, तो यू डोंट स्पेंड दैट टाइम देयर। आपको अपनी मर्जी से यू पिक योर सब्जेक्ट्स कि मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, इसमें स्पेशलाइज करना चाहता हूँ, एंड देन यू हैव अ स्केड्यूल जो कि आप डिसाइड कर देते हो कि ये इतने आई विल स्टडी फॉर दिस आवर्स, और फिर वो बैठ के आप कंसंट्रेशन से पढ़ते हो। जिसको होम स्कूलिंग भी कहा, तो यानी कि आपके पेरेंट्स ने आप पांच भाई बहनों में से किसी को भी स्कूल नहीं भेजा? आई वेंट टू स्कूल अप टू टेंथ ग्रेड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम्स रहे हैं, परसिस्ट करते रहे हैं, तो यहाँ पे क्रामिंग का, रट्टे का जो रिवाज था वो मुझे सूट नहीं किया और आई फाउंड कि होम स्कूलिंग इज इजियर एंड इट्स अ बेटर अल्टरनेटिव टू दोस हु कांट अफोर्ड। जरा हमारे व्यूअर्स को समझाओ कि मसला क्या बना था। जरा रिमेंबर कि मेरी और आपकी थोड़ी सी गप लगी है ब्रेक में, लेकिन हमारे व्यूअर्स ने वो बात, इसमें ये था कि आई वेंट टू स्कूल अप टू प्रेप ग्रेड और मैंने वहां पे 28 चिल्ड्रन थे और उसमें से 28 नंबर पे मेरी आती थी पोजिशन, और उसमें ये था कि आई यूज टू स्टडी, लेकिन मुझे था कि अगर मैंने एबीसी एक दफा कर ली है तो मैं इसको दोबारा क्यों करूँ, मैं इसको रटा नहीं लगाऊंगी, अब मुझे आ गया टीच मी समथिंग न्यू, मेरा वक्त मत जाया करें। तो उसमें आई थिंक बहुत सारे बच्चे भी प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हम अपने लिमिट्स बहुत सेट कर देते हैं। भाई देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा था कि वो बेसिकली उनको इडियट सवांट क्या कहा गया था, और ये कहा गया था कि वो जो है वो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाएंगे। उनके पेरेंट्स को बेसिकली जवाब दे दिया गया था कि इसको ले जाओ घर, लेकिन जब उनको तवज्जो दी गई और उन्होंने अपने ओन पे चीजें करनी शुरू की तो फिर उनको एक जीनियस का लेवल दे दिया गया। सो बात यह है कि व्यूअर्स, हम अक्सर जो है ना वो जो टिपिकल एक डब्बा होता है उसमें लोगों को, बच्चों को डालने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से लोग सफर करते हैं, स्पेशली हमारे जो यंग लोग हैं वो। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक बाद जब वापस आएंगे, छोटी सी ब्रेक है, तो हम अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। और सेहत चाहिए हो साथ साथ तो बनाएं ब्रॉयलर मुर्गी और अंडों से मजेदार पकवान। अंडों में मौजूद है विटामिन ई, आयरन, जिंक, कैल्शियम और ओमेगा 3, तो गर्मी हो या सर्दी अंडों का रोजाना इस्तेमाल रखे आपको सेहतमंद और तवाना। विटामिन और प्रोटीन से भरपूर मुर्गी का गोश्त और अंडे इंतहाई सस्ते दामों हर जगह दस्तियाब है। ब्रॉयलर मुर्गी और अंडे खाएं, सेहत और लज्जत एक साथ पाएं। हम बना रहे हैं सेहतमंद पाकिस्तान। जी हाँ, वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हम बात कर रहे थे कि आपने घर पे ही अपनी तालीम हासिल की, और आप अब जब आप कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, तो वहां पे जाके क्या महसूस होता है कि काश मैं स्कूल गई होती? नो, आई डोंट फील कि मैं फील करती हूँ कि हम लकी हैं, क्योंकि हमें वो जो एक
टिपिकल कॉन्सेप्ट है, टिपिकल बॉक्स है, उसके अंदर नहीं शव किया गया. वो कहते हैं कि अगर आप एक मछली को उसकी ट्री चढ़ने की कैपेबिलिटी पर जज करोगे तो मछली फेल हो जाएगी. तो हर बच्चा डिफरेंट होता है, वी नीड इंडिविजुअल अटेंशन. तो हर बच्चे को जो वो अटेंशन है जो हमें मिली, आई थिंक कि हम लकी हैं उस हिसाब से कि हमें इंडिविजुअल अटेंशन मिली और हम अपने अपने शौक की तरफ जो है वी कुड पे अटेंशन, बजाय इसके कि हमें एक तरफ फोर्स कर दिया जाता है. अच्छा एक बात बताओ कमर, आपने ये जो 8 साल की उम्र पे कर लिया केमिस्ट्री में ओ लेवल, मैं सोचती हूँ हमजा 12 साल का है, आज मैं उसको जाके कहूँ बेटा ओ लेवल का कोई एक पेपर दे तो तुम्हें इस तरह करके देखेगा जिसमें पागल हो गई हूँ. तो इट्स वेरी वेरी इंप्रेसिव माशाल्लाह. एंड बीइंग अ मदर मैं चाह रही हूँ कि कुछ आप लोगों से सीख के मैं घर जाके इम्प्लीमेंट भी करूँ. तो कमर ये कैसे ख्याल आया कि आपने भी ओ लेवल करना है और केमिस्ट्री में करना है और इतनी छोटी एज पे करना है? अम्मी ने कहा या खुद सोचा? मैंने खुद छोटा था बिकॉज केमिस्ट्री वॉज माई पैशन और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं पाकिस्तान में कुछ नया करूं. नहीं पाकिस्तान में कुछ नया करूं तो बहन ने क्योंकि 9 साल की उम्र पे किया तो आपने सोचा मैं 8 ईयर्स पे करके उनका रिकॉर्ड ब्रेक कर दूं. जी. तो घर में ही रिकॉर्ड ब्रेक करने हैं सारे. अब मैं देखती हूँ कि 8 साल की उम्र, 8 साल की उम्र पे इंसान प्रॉपर तरीके से मतलब होता है कि फ्लुएंटली गुफ्तगू भी नहीं कर पाता, तो 8 साल की उम्र पे केमिस्ट्री में ओ लेवल्स कर लेना बहुत बड़ी बात है. आपका क्या? अच्छा केमिस्ट्री का सबसे मुश्किल फॉर्मूला कौन सा है? फॉर्मूला मुझे तो कोई मुश्किल नहीं लगता. हमें जिंदगी मुश्किल लगती है, इनको फॉर्मूले मुश्किल नहीं लगते. कोई ऐसी चीज जो जिसपे कभी स्टक हुए हो या फंसे हो और सोचा हो कि ये जरा नहीं हो पाएगा? ग्लूकोज का फॉर्मूला. ये जो केमिस्ट्री की एक वो जो कहते हैं ना लव ऑफ केमिस्ट्री है वो आपके घर में नजर आता है, ये कैसे आपने कैसे, क्योंकि यू आर द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इस तरह किया, तो हुआ क्या मतलब एक दिन बस सोचा कि केमिस्ट्री में मैं? एक्चुअली मेरी मामा खुद केमिस्ट्री की टीचर रह चुकी है और मेरे ख्याल से जब भी किसी बच्चे को आप कोई चीज अच्छी तरह समझाते हो, व्हेन हिज कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, तो तब उसे वो चीज पसंद आती है. जो चीज हमें समझ नहीं आती है वो कभी भी हमें अच्छी नहीं लगती. तो क्योंकि वो खुद पढ़ाती थी, हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते थे. और केमिस्ट्री तो हमारे यहाँ पूरी दुनिया में इट्स ऑल अराउंड अस. हम जो खाना खाते हैं, हमारी जो बॉडी फंक्शन करती है, सारी केमिस्ट्री है. तो उसको समझने का तो हर एक का दिल करता है ना. नहीं हर किसी का नहीं दिल करता, हर किसी का दिल चाहता है कि अगर खाना पड़े तो खा ले, यही सोचते इसमें क्या क्या है, लेकिन अगर सोचते तो शायद आज इस लेवल पे पहुंच जाते. और वैसे मैं तो सकते में चली गई हूँ कि इतने ब्रिलियंट यंग लोग भी होते हैं दुनिया में. बिल्कुल. हम लोग सोचते हैं हम बड़े हाई अचीवर्स हैं, फिर हमारे सामने ऐसे बच्चे आ जाते तो बिल्कुल ही चुप हो जाते हैं. अच्छा इनको कुछ एक गाना डेडिकेट करो. जी बिल्कुल, मैं कलाम वही सुनाता हूं, वो पेश करेंगे. छाप तिलक सब छीन ली रे वो सिनेम मिलई के, छाप तिलक सब छीन ली रे वो सिनेम मिलई के, नैना मिलई के, नैना मिलई के, नैना मिलई के, नैना मिलई के, बात एकदम कह दी मिलई के, छाप तिलक सब छीन ली रे मुझे नैना मिलई के. गोरी गोरी भैया चूड़ियां
पकड़ तोरे ले ली रे मोते नैना मिलई के छाप तिलक सब दीन ली रे मोते नैना मिलई के बल बल जाम तोरे रंग रंजवा बल बल जाम तोरे रंग रंजवा 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 बल बल जाम तोरे रंग रंजवा अपनी सी रंग ले ली रे मोते नैना मिलई के चाप तिलक सब छीन ली रे मोते नैना मिलई के 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 बात अदम सब छीन ली रे मोते नैना मिलई के चाप तिलक सब ये बताइए मिस्टर कमर कि आप कितना वक्त पढ़ाई को देते हैं अगर अपना दिन का हमारे साथ स्केड्यूल शेयर करेंगे सुबह से लेकर रात तक क्या आपकी एक्टिविटीज होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इट डजंट मैटर कि आप कितनी देर पढ़ते हैं मैटर्स कि आप इफ यू कंसंट्रेट और नॉट जिस तरह के कायदे अफजल ने कहा था कि एजुकेशन इज अ लाइफ इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड दैट फॉर कंट्री बिल्कुल सही तो बट कितना टाइम देते हो आप सुबह कितने बजे उठते हो क्या करते हो सारा दिन बिकॉज़ आई वांट टू नो योर स्केड्यूल आल्सो उसके बाद दे मतलब जब लेवल्स वगैरह कर रहे थे तो सुबह हम उठ के नाश्ता नमाज ये नॉर्मल चीजें फिर बाद में पढ़ाई जितने देर दिल चाहे और फिर बाद में हम स्पोर्ट्स स्विमिंग आपको स्विमिंग का बहुत शौक है ना जी टीवी अपनी बहनों के साथ प्रे में कजन आ जाते हैं मनी बिफ्रा और फिर हम खेलते हैं फिर रात हो जाती है फिर हम सो जाते हैं फिर स्टाई डे सही तो एक भाई है और बाकी सब बहनें हैं राइट तो बाकी बहनें क्या करती हैं इस तरह व्हाट आर देयर एक्टिविटीज द यंगर वन उसको जो मुझसे छोटी है एक साल उसको आर्ट का एक तो शौक है दूसरा उसका न्यूक्लियर फिजिक्स की तरफ इंटरेस्ट है माशाल्लाह तो शी वांट्स टू अप्लाई टू सर्न जो कि यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च वहां पर काम करना चाहती है उससे छोटी उसको कार्डियोलॉजी का शौक है शी वांट्स टू बिकम अ कार्डियोलॉजिस्ट और उससे छोटी उन्होंने किस किस एज में ओ लेवल्स किए हैं उसमें उससे छोटी द यंगर वन द मी शी डिड एट एज 13 जी और उसने अपना ए लेवल्स कंप्लीट कर लिया अब इंशाल्लाह शी इज गोइंग टू यूनिवर्सिटी एज वेल और उसे छोटी वाले ने रिसेंटली कंप्लीट किया एट एज 14 माशाल्लाह वो कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रही है जो नंबर 3 नंबर पे शी स्टिल अभी उसने डिसाइड नहीं किया और जो और इनके साथ एक ट्विन सिस्टर है तो वो उनके क्या शौक है या अभी अनडिसाइडेड है कमरुल ने साहब वो शी फ्लक्चुएट्स हम कभी भी ये नहीं कहते कि आपने एक चीज कह दी है तो आप वहाँ पे फिक्स हो गए कभी वो कहती है कि आई बिकम अ बिजनेस वुमन कभी वो कहती है कि नहीं मैं भी साइंटिस्ट बनूंगी कभी वो कहती है नहीं मैं डॉक्टर तो शी स्टिल चूजिंग वो अभी चूज कर रही है और आई थिंक थोड़ा सा अगर ऑप्शन दिया जाए तो इंसान अपनी मर्जी की चीजें चूज करे तो ज्यादा फायदा है रिसर्च जो कि मैंने रिसेंटली पढ़ी थी उसमें कहते हैं कि जो आजकल के बच्चे हैं वो हम कहते हैं कि आज यहाँ पे हमारा रिवाज है डॉक्टर या इंजीनियर तो जो वहाँ पे यू नो जॉब्स जो बन रहे हैं आगे दुनिया में 70% बच्चे जो आजकल के अभी वो जॉब्स करेंगे जो अभी एग्जिस्ट नहीं करते तो वी हैव टू कीप अ ब्रॉड हॉराइज़न और हमें अपने ख्वाब बड़े देखने चाहिए सिर्फ आपके पास तो पूरी दुनिया का टैलेंट है पाकिस्तानी बच्चों में वी आर द फोर्थ मोस्ट इंटेलिजेंट नेशन इन द वर्ल्ड तो कोई भी हमारे ऊपर लिमिट नहीं है जो आपका दिल करता है वो करो और ये सोचो कि मैंने अपनी नेशन को सर्व करना है बिल्कुल आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स लिए हैं केमिस्ट्री के अलावा मैंने सारे दुनिया के सारे सब्जेक्ट्स कैसे ले लिए बताओ ना कौन कौन से सिलेक्ट किए हैं फिजिक्स मैथ्स बायोलॉजी और दूसरे सारे साइंस उर्दू सारे इंग्लिश
So, सारे सब्जेक्ट्स लिए और आपने कितने सब्जेक्ट्स में लेवल्स किया था? I did it in 8. In 8. जब 11 years की जो completion होती है, basically 5 subjects होते हैं levels में जो आपको main देना होता है, chemistry, biology, physics, English और mathematics. इसके बाद आपका international levels complete हो जाता है. और फिर आपने A levels में कितने subjects लिए? A levels में I took 3. नहीं, you took 3. And of course, you topped in them. So, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे कुछ और स्टार्स हमें ज्वाइन करेंगे और वो भी अपना ओपिनियन देंगे हमारे इन ब्रिलियंट यंग स्टार्स पे. एंड देन ऑफकोर्स मैंने अपनी रेसिपी भी बनानी है. हमें चेक करना है कि लैला की क्या सिचुएशन है, कहाँ तक पहुंचा है. होर से भी कुछ और हम सुनेंगे. ये सब कुछ होगा लेकिन ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा.